गुड मॉर्निंग। गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है ई कॉमर्स, और ये टॉपिक पीएससी प्री का जो है एमपी बेसिक बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट 9 का है। और फॉरेस्ट सर्विस के लिए मेंस में पेपर 1 का यूनिट 5 का टॉपिक है। और जितना हम अभी इसमें कवर कर रहे हैं ये फॉरेस्ट सर्विस के मेंस के लिए काफ़ी है, एमपीपीएससी प्री के लिए काफ़ी है। वैसे इसके दो लेक्चर आएंगे, एक में हम पूरा थ्योरी कवर कर रहे हैं और दूसरे में जो है हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। आज तक किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ई कॉमर्स से पूछा गया होगा वो, और खुद के नए क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है लगभग 50 MCQ आपको देखने को मिलने वाले हैं दूसरे लेक्चर में। ओके, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स है क्या? देखो, ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक। और कॉमर्स बोले तो व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापारिक गतिविधियां संचालित करना ई कॉमर्स। अभी आप लोग करते हैं ना, ये जो दिख रहा होगा पिकअप, ये अमेजन, स्नैपडील, मंत्रा, ये सारे जो वेबसाइट हैं आपके, ये क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापारिक गतिविधियां संपादित कर रहे हैं। आप जो है सामान खरीद रहे हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं, ये पूरा सिस्टम जो है ऑनलाइन बना हुआ है। तो ये पूरा सिस्टम, ये खासकर जो व्यापार देख रहे हैं आप, अमेजन, ये सब का जो मैंने एग्जांपल नाम लिया है, ये एक पार्ट, एक छोटा सा सेक्शन है ई कॉमर्स का। ये पूरा इंडस्ट्री जो चल रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं, ये कहलाएगा आपका ई कॉमर्स। ओके, इसका फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया, ई कॉमर्स क्या होता है, इसी के बारे में यहाँ पे बेसिक दिया गया इंट्रोडक्शन। ई कॉमर्स बोले तो इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग गुड्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो ये पूरा जो है ई कॉमर्स का डिफिनेशन। ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का शॉर्ट फॉर्म है, ये आपने समझ में आ गया। पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो था, ये कोई भी फाइल का जो है आदान प्रदान, जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रहा था, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक मोड में पहले नेट तो था नहीं, इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, पहले इंटरनेट था नहीं, पहले जो है फाइलों का ट्रांसफर मेल से, मेल भी नहीं था, तो बाद में मेल से होने लगा। ये अपना CD वगैरह जो है, पेनड्राइव वगैरह जो है, इसके थ्रू डेटा ट्रांसफर, जो फ्लॉपी कार्ड, इनके थ्रू होने लगे, फाइल ट्रांसफर के रूप में होने लगे। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ EDI के रूप में। ई कॉमर्स का डेवलपमेंट किस रूप में हुआ? EDI के रूप में। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो ऐसा बोला जा सकता है, या ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं PSC में कि EDI का फुल फॉर्म क्या है, या ई कॉमर्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया? ई कॉमर्स है क्या, EDI क्या है, EDI का फुल फॉर्म, ई कॉमर्स का सेकेंड नेम। अब आगे देखें अपन, इंट्रोडक्शन में ये ADI क्या है ये समझ में आ गया। अभी ई कॉमर्स का व्यापार बहुत तेजी से दुनिया में जो अपना पर फैला रहा है, जब से ये लॉकडाउन लगा है, कोरोना का पूरा सिस्टम आया, कोरोना बीमारी के बाद जो लॉकडाउन का पूरा सिस्टम आया, इसके थ्रू बहुत तेजी से जो 5 साल में जो चीजें ऑनलाइन अपीयरेंस रखती या आती, जैसे खासकर एजुकेशन जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये ऑनलाइन आने का विचार जो है मेरा 1-2 साल बाद का था, या हो सकता मैं नहीं आता, ऑफलाइन चीजें सही चलती। बहुत सारी जो है कंपनियां ऑनलाइन आ गई, बहुत सा आपके घर के मोहल्ले के आसपास के छोटे छोटे शॉप वाले भी ऑनलाइन आ गए। तो ये चीजें जो है लॉकडाउन वाला सिस्टम बहुत तेजी से बूस्ट किया है ई कॉमर्स के मार्केट को। क्लियर? भारत जो है ई कॉमर्स के मार्केट में 3rd नंबर पे एग्जिस्ट करता है। पहले नंबर पे जो है वो है आपका चाइना, 2nd नंबर पे USA और 3rd नंबर पे भारत। जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हुआ है। पूरी दुनिया जो है उसमें ई कॉमर्स का जो डेवलपमेंट है वो 19% है सालाना, 19% सालाना के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से ग्रोथ रेट चल रहा है ई कॉमर्स का। लेकिन भारत में आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना है। आप इमेजिन करो, अभी सोचो कहां तक हो सकता है। वीडियो के अगले स्लाइड में जब हम भारत में ई कॉमर्स पढ़ेंगे तब हम आपको बताने वाले हैं कि अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ है। आप तब तक जो है ये सोचिए कहां तक भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत की दर से ग्रोथ किया है या हो सकता है। ओके, ये बात समझ में आ गया। चलते हैं अब इसके इतिहास पे कि ई कॉमर्स जो है कैसे कैसे, कब शुरू हुआ, कैसा कैसा डेवलपमेंट हुआ। तो हमने बताया कि ई कॉमर्स जो है वो EDI के फॉर्म में स्टार्ट हुआ, इतनी बात समझ में आ गई। उसका दूसरा नाम जो है वो है आपका EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। 1960 के दशक में, 1960 के डिकेड से ई कॉमर्स का डेवलपमेंट माना जाता है।
कब? 1960 के दशक से। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? यूएसए से स्टार्ट हुआ है। एक बात और ध्यान देना है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो इसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ के आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं केवल आपको समझा दे रहा हूँ। आप मेरे ऐप पे जाइए और वहाँ पे स्टडी मटेरियल के सेक्शन से ये पूरे पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? अब देखेंगे, पहले तो फाइलों का ट्रांसफर होता था, डेटा का ट्रांसफर होता था इलेक्ट्रॉनिक। बाद में जब इंटरनेट डेवलप हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आ गया अपना ई कॉमर्स का मार्केट। तो अपना इंटरनेट जो है कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1969 में अर्पानेट के माध्यम से। अर्पानेट क्या है ये बता रहे हैं। अर्पानेट जो है इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। पहला दुनिया का इंटरनेट अर्पानेट था। अर्पानेट को बनाया, ये नाम है, अर्पानेट को बनाया था यूएसए का सिक्योरिटी एजेंसी जो है, वहां का रक्षा विभाग जो है उसने अर्पानेट को बनाया था मिलिट्री वर्क के लिए। ठीक है, ताकि सारे एक दूसरे से जुड़ सकें, सारे ऑफिस एक दूसरे से जुड़ सकें, इस तरह इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ। पूरी दुनिया में इंटरनेट की बात करें, प्रॉपर पूरी दुनिया में इंटरनेट सही फॉर्म में आया तो आया 1992 में। क्लियर? तो इसके बाद ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से तेजी से विकसित हुआ, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। जब 60 में अपना ईडीआई के फॉर्म में इंटरनेट ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसके बाद इंटरनेट का जो अर्पानेट का डेवलपमेंट हुआ। अब पहला स्टैंडर्ड जो बनाया व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने के लिए, रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है, तो अमेरिकी मानक संस्थान जो है वो 1979 में पहला रूल या स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि आप ईडीआई के लिए किस तरीके का रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, ये नाम क्या था इसका? एएससी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। ओके, ये जो है डिसाइड किया गया ईडीआई के फॉर्म के लिए। बात समझ में आया? ओके, आगे देखो, जब इंटरनेट पूरा जो है डेवलप हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड में, कब हुआ था ये? 1992 में, जैसा हमने अभी बताया, डिस्कस किया हम लोगों ने। तो इसके बाद दो बड़ी कंपनियां इस्टेब्लिश की गई। पहली कंपनी थी अमेज़न 1994 और दूसरी कंपनी थी ईवे 95। ये दोनों यूएसए की कंपनियां हैं। ये दोनों सेटअप होने के बाद ई कॉमर्स के फील्ड में क्रांति आ गया, रिवोल्यूशन आया, और इन्होंने लीड किया पूरी दुनिया को कि भैया तुम भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आओ। बात समझ में आ गया? ये दो कंपनियों के नाम ध्यान रखना है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, 1998 में, 1998 में पेपॉल नामक जो एक कंपनी है, ये पेपॉल एक ऑनलाइन पेमेंट का मोड शुरू किया, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए पेपॉल जो है पहला भुगतान, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली स्टार्ट किया, ये ध्यान रखना है। 1998 में पहला कंपनी की बात करें तो वो था अपना अमेज़न 94 में। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है जो अपन पिछले स्लाइड में छोड़े हैं, माइकल एड्रिक 79 में ही पहला ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम शुरू किया था। 1979 में माइकल एड्रिक ने पहला ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम शुरू किया था। बहुत डेवलप नहीं हो पाया, इसका बहुत नाम नहीं हो पाया। नाम स्टार्ट हुआ जब अपना इंटरनेट पूरा सेटअप हो गया तो अमेज़न और ईबे से ये मार्केट जो है पॉपुलर हुआ। क्लियर? ये था इसका बेसिक हिस्ट्री। इसके बाद देखेंगे हम टाइप में कि कितने टाइप के आपके ई कॉमर्स हैं। इसको लेके कन्फ्यूजन होता है लोगों को, साइट पे जब आप सर्च करेंगे, अलग अलग वीडियोज पढ़ेंगे, अलग अलग टीचर्स से जो उनके वीडियोज आप देखेंगे तो टाइप जो है अलग अलग मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इसके बेसिक टाइप जो है स्टैंडर्ड बुक में दिए गए हैं वो ये चार टाइप हैं, और इसको अन्य पार्ट में भी क्लासीफाई किया गया, अदर टाइप में भी क्लासीफाई किया गया है, वो नीचे दिए गए हैं। अब एग्जाम में जो है इनके शॉर्ट फॉर्म दिए रहते हैं, B2B, B2C, C2B, ये इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी में इसलिए नहीं लिखा गया है कि जो ये टाइप है इसका हिंदी और इंग्लिश नाम बिल्कुल सेम टू सेम है। ओके, तो पहला जो टाइप है वो है बिजनेस टू बिजनेस, B2B। दूसरा जो टाइप है वो है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। तीसरा टाइप है कस्टमर टू बिजनेस, C2B। चौथा टाइप है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। इतनी बात समझ में आ गया?
बिजनेस का मतलब है कंपनियां, बी मतलब कंपनियां और सी मतलब कस्टमर। यहाँ पे ऐसा समझना है, सी मतलब कंपनी नहीं समझना है, बी मतलब बिजनेस, बिजनेस बोले तो कंपनियां। ठीक, अब ये क्यों ऐसा समझाया ये अगले स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। आगे के जो टाइप हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, पीर टू पीर, एम कॉमर्स। एम कॉमर्स का फुल फॉर्म जो है ये होता है मोबाइल कॉमर्स। क्लियर, मोबाइल कॉमर्स ये ध्यान रखना है आपको। अब हम चलते हैं एक एक के बारे में कि क्या है, कैसे ये सेटअप काम करता है। इस पर यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो है एग्जाम्पल। इसमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो है केवल एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि कौन सा जो है किस टाइप का ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। पहला, आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि ये हमारा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका ऐप भी आ चुका है, जिस नाम से हम पढ़ा रहे हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसका पूरा PDF आप हमारे ऐप पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अभी फिलहाल हम इतने कोर्स जो हैं रन कर रहे हैं अपने ऐप पे, जिनमें मेन है अपना MP फॉरेस्ट सर्विस और PSC का कोर्स, खासकर MPPSC का कोर्स, और साइंस एंड टेक सारे PSC के लिए, जितने भी PSC हैं यानी BPSC, MPPSC, आपका UPPSC, राजस्थान PSC, इन सब के लिए साइंस एंड टेक का कोर्स जो है हम लॉन्च कर रहे हैं। और साइंस वन डे एग्जाम के लिए, कंप्यूटर वन डे एग्जाम के लिए, इतने कोर्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अब जो नीचे एक नंबर स्क्रॉल कर रहा होगा, कोई भी सजेशन हो आपके, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी क्वेरी हो, उस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके डिटेल जान सकते हैं। ठीक, तो चलो पहला टाइप हम डिस्कस करें। पहला टाइप है अपना बिजनेस टू बिजनेस, यानी शॉर्ट में बोले तो B2B। देखो यहाँ पे टू जो है इस तरीके का लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर, बिजनेस टू बिजनेस का क्या अर्थ होता है? बी बोले तो बिजनेस, और क्या बताया था, बिजनेस बोले तो कंपनियां समझना है, कंपनियों से कंपनियों का व्यापार। यानी जब दो कंपनियां आपस में व्यापारिक गतिविधियां करेंगी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो इस टाइप का जो है बिजनेस क्या कहलाएगा, E2E टाइप, B2B टाइप ई कॉमर्स। बात समझ में आया? अब उदाहरण देखो, उदाहरण कैसे पूछेंगे इसमें। पहला उदाहरण अभी याद करो, कुछ दिन पहले जियो और फेसबुक का जो है डील हुआ था, जिसमें रिलायंस के शेयर जो अचानक से उछल गए थे बहुत ज्यादा। तो ये डील यदि ऑनलाइन मोड से हो रहा है, उनमें यदि फाइलों का ट्रांसफर हो रहा है ऑनलाइन मोड से, तो ये एग्जाम्पल रहेगा अपना B2B टाइप ई कॉमर्स। क्लियर, वोडाफोन आइडिया का डील हुआ था, VI बन गया, वोडाफोन और आइडिया मिलकर VI बन गए हैं, है ना। तो ये जो डील है, ये सारे डील जो ऑनलाइन मोड से हुए, बहुत सारी चीजें बाद में जाके साइन होता है ना, तो ये एग्जाम्पल है आपके B2B टाइप ई कॉमर्स के। बात समझ में आया? अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है B2C टाइप, बिजनेस टू कस्टमर। इन दिस टाइप बिजनेस अकर्स बिटवीन कंपनीज एंड कस्टमर। अब देखो, सबसे ज्यादा पॉपुलर यदि ई कॉमर्स है, जो लोग नॉर्मली समझते हैं हम लोग, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप यदि पूछा जाए आपसे, तो वो है आपका B2C टाइप ई कॉमर्स, B2C। बी बोले तो कंपनी, सी बोले तो कस्टमर। जब कंपनियां कस्टमर को सर्विस दे रही है, उनके साथ व्यापार कर रही है, तो वो B2C टाइप ई कॉमर्स। बात समझ में आया? जितने भी आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट देख रहे हैं वो सभी B2C टाइप के एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्ट क्विकर, OLX, ओला, उबेर, ये सब जो हैं ये आपके B2C टाइप में नहीं आएंगे। लेकिन जो आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ईबे है, मंत्रा है, ये सारे B2C टाइप में आएंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि इनमें से सबसे पॉपुलर ई कॉमर्स का टाइप कौन है, या यूजर फ्रेंडली, जिनको यूजर जानते हैं, वो टाइप कौन सा है, तो वो है आपका B2C टाइप ई कॉमर्स। क्लियर, चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसमें B2C टाइप में क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक वेबसाइट बनाता है, सारे कस्टमर जो है इस वेबसाइट से क्या करते हैं, जुड़ते हैं, इस वेबसाइट के थ्रू जो है जुड़ रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, सामान वहां तक पहुंच रहा है, डिलीवरी हो रहा है, तो ये एक बिजनेस मॉडल है B2C टाइप का। नेक्स्ट देखें अपन, नेक्स्ट टाइप जो है अपना, ये नेक्स्ट टाइप है C2B टाइप, कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर जब कंपनियों को सेवाएं देंगे,
अब आप सोच रहे हो, सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा कब होता है, कस्टमर कंपनी को सेवा दे रहा है, एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉय हैं हम कंपनी को सेवा दे रहे हैं, नहीं, कस्टमर जो है ये कंपनी को सेवा देगा। ऐसा कब होता है? आजकल आप एक एड देख रहे होंगे टीवी में भी और ये अपना यूट्यूब वगैरह पे भी एड चल रहा है, व्हाइट हेड जूनियर अपना ऐप बनाओ, वो ऐप देखा है ना, एड देखा है जिसमें बच्चा जो है ऐप बनाता है और उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग मारपीट करने लगते हैं उसके ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो ऐप डेवलपमेंट का काम है, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम है, फ्रीलैंसिंग का काम है, ये तीनों जो हैं ये क्या है, सी टू बी टाइप है, कस्टमर टू बिजनेस, यानी कस्टमर जो है वो कंपनियों को अपनी सेवाएं दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार कर रहा है कंपनियों के साथ। यहां पे एक टर्म पूछा गया है फ्रीलांसिंग, ये टर्म जो यूज हुआ ये है क्या, इसके बारे में बता रहे हैं। फ्रीलांसिंग जो है अभी तो एक सॉफ्टवेयर है, ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है एक वेबसाइट या एक जगह जहां पे कोई एक व्यक्ति अपना डिटेल डाल रहा है। जैसे मैं डालूंगा कि मैं जो है मेरा नाम रौनक आनंद, टीचिंग एक्सपीरियंस 6 ईयर, मैंने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हैं इसका डिटेल, कौन कौन से कोचिंग में कितने दिन पढ़ाया है इसका डिटेल डालूंगा। अब कोचिंग वाले मुझे, कोचिंगों को कॉन्टैक्ट नहीं करना है, कोचिंग वाले मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि हाँ आपका प्रोफाइल मैंने फ्रीलांसिंग पे देखा है। जैसे कोई डिजाइनर है, कोई ऐप डेवलपर है, तो वो क्या करते हैं फ्रीलांसिंग साइट पे अपना डिटेल डाल देते हैं और कंपनियां उनसे कांटेक्ट करती है और इस तरीके से जो है वो कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये पूरे एग्जांपल आपके हो जाएंगे कस्टमर टू बिजनेस टाइप ई कॉमर्स। बात समझ में आया? ये फ्रीलांसिंग वाला ध्यान रखना, ये देखो ये फ्रीलांसिंग कर रहा और कंपनियां जो है इनको ऑफर कर रही है, क्लियर। अब अगला जो है अपना वो है कस्टमर टू कस्टमर सी टू सी टाइप, कस्टमर टू कस्टमर। इसका क्या मतलब है? एक कस्टमर दूसरे को सेवाएं प्रदान करेंगी, ओके? एक कस्टमर दूसरे को सेवाएं प्रदान करेंगे, क्या कब ऐसा होता है, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। आपने ओला किया होगा, आपने उबेर किया होगा, आपने क्विकर, ओएलएक्स, ये सब यूज किए होंगे। वहां पे कंपनी वाले एक वेबसाइट बना देते हैं, एक वेबसाइट बना दिए और एक कस्टमर अपना डिटेल डाला अपने सामान का, दूसरे कस्टमर जो है इस कस्टमर से डील किया। तो इस तरीके का जो डील हो रहा है ऑनलाइन माध्यम से, ये कहलाएगा अपना सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर टाइप ई कॉमर्स, ओके? चार बेसिक टाइप आपने समझा, बी टू बी, कंपनियों के बीच, दो कंपनियों के बीच एक कंपनी दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। दूसरा बी टू सी, जब कंपनियां कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही वाला टाइप है। तीसरा सी टू बी, कस्टमर टू बिजनेस फ्रीलांसिंग का एग्जांपल। और चौथा सी टू सी, ओला उबेर क्विकर ओएलएक्स, ये चार बेसिक ई कॉमर्स टाइप है। यहां से इसके एग्जांपल के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके? अब चलो आगे बढ़े अपन। अनदर टाइप ऑफ ई कॉमर्स में अगला है गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये आप ई गवर्नेंस वाले सेक्शन में भी देखेंगे, लेकिन वहां पे हम जो है गवर्नेंस के टर्म में, प्रशासन के टर्म में पढ़ेंगे, यहां पे हम व्यापार के टर्म में पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस? जब सरकारें वेबसाइट के माध्यम से बिजनेस यानी कंपनीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगी, वहां उनके साथ व्यापार करेंगी, ठीक है? तो ये वाला जो आपस में व्यापार हुआ, सरकार और कंपनियों के बीच का व्यापार, तो ये हो जाएगा अपना गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है? व्यवसायिक संगठनों के संपर्क करने के लिए सरकारें बी टू जी मॉडल वेबसाइटों का उपयोग करती हैं। ऐसी वेबसाइट नीलामी, निविदाओं, एप्लीकेशन सबमिशन फंक्शन इत्यादि का सपोर्ट कर रही है, ठीक है? टेंडर निकालती है सरकार, कंपनियां उस पर अप्लाई कर रही हैं। सरकार जो है जीएसटी के लिए फॉर्म भरवाती हैं, कंपनियां उसमें रजिस्टर कर रही हैं। टैक्स पे के लिए सरकार वेबसाइट बनाती हैं, कंपनियां उस पर काम कर रही हैं, वहां पे जाके अपना डिटेल डाल रही हैं। तो इस तरीके का जो बिजनेस मॉडल हुआ सरकार और कंपनियों के बीच का, जहां पे सरकार कंपनियों को सुविधाएं दे रही हैं, याद रखना सरकार कंपनियों को सुविधाएं दे रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट टू बिजनेस। यहां तक बात क्लियर? अब चलो नेक्स्ट, अगला है अपना बिजनेस टू गवर्नमेंट।
अभी पढ़े थे G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, जहां सरकार कंपनियों को सुविधाएं दे रही थी। इसका जस्ट उल्टा, जब कंपनियां सरकार से बिजनेस करें, कंपनियां जो है सरकार को सुविधाएं दें, सरकार कंपनियों से कोई चीज खरीदे, ठीक है, तो इस तरीके का जो व्यवसाय होगा ये हो जाएगा आपका B2G। कन्फ्यूज नहीं होना है, कौन किसको सर्विस दे रहा है, कौन जो अपना वेबसाइट बना के दूसरे को बुला रहा है, ये पहले नंबर पे आएगा, और जिसको सर्विस दे रहा है वो बाद में आएगा। जब सरकार सुविधाएं देंगी किसको, कंपनियों को, तो वो हो जाएगा अपना G2B। जब कंपनियां जो है सरकार को सुविधाएं देंगी, इसके साथ व्यापार करेंगी, तो हो जाएगा B2G। क्लियर? इसमें क्या हो रहा है, इसमें व्यापारिक आदान प्रदान कौन कौन से, देखो, सरकार को आवेदन पत्र जमा करने के लिए व्यवसायों का माध्यम प्रदान कर रही है सरकार। जैसे सरकारों को कुछ चीजें चाहिए, मान लो जैसे स्कूलों के लिए, हम लोगों के लिए, जैसे सरकारी स्कूल है, मान लो सरकारी कॉलेज है, अभी सरकारी कॉलेजों में भी डिजिटल बोर्ड लगाया जा रहा है, पूरा डिजिटलाइज किया जा रहा है, तो सरकारों को भी तो चीजें चाहिए। तो सरकार जो है निविदा निकालेगी पहले, उसके लिए जो है टेंडर निकालेगी कि कौन कौन अप्लाई कर रहा है, सरकारी साइट पे वो है, अप्लाई कर दिए जाके, तो वो हमारा हो गया क्या, G2B। सरकार ने ऑफर दिया, लोग उस पर रजिस्टर किए, अब कोई एक कंपनी सेलेक्ट हो गई, अब उस कंपनी के साइट पे सरकार अपना डिटेल भेज रही है कि भैया इतने इतने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, इतने साइज के, इतनी चीजें चाहिए, पेमेंट कर रही है वहां पे जाके, तो वो हो गया हमारा क्या, वो हो गया अपना B2G। सिर्फ एक ही में दोनों इंक्लूड हो गए, एक ही व्यवसाय दो तरीके से हो रहा है, अलग अलग टाइप हो गया। बात समझ में आया? वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। हाँ, 3 नंबर में जब आएगा आपके मेंस में, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। क्लियर? आगे देखो, गवर्नमेंट टू सिटीजन, जब सरकारें किसको सेवाएं दें, किसके साथ व्यवसाय करें, सिटीजन के साथ, नागरिकों के साथ। वैसे ये तीनों टाइप जो है हम ई गवर्नेंस में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये ध्यान रखना ई कॉमर्स में भी कुछ बुकों में इनको इंक्लूड किया गया है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार जो है व्यापार करेंगे नागरिकों के साथ। अब ये व्यापार में क्या हो सकता है, सरकारी सेवाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाएगी, नागरिक जो है जाके चीजें भरेंगे, भैया हम भी तो जीएसटी भर रहे हैं, हम अपना टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, हम जो है बाकी चीजें ऑनलाइन सरकार के साथ डील कर, पेंशन मिल रहा है हमें, ये पूरे ऑनलाइन मोड से चल रहा है। तो ये जो सरकारी सेवाएं हो गई, जैसे हमें मान लो आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, हमें अपना पासपोर्ट बनवाना है, हम गए वहां पे, पूरा काम, फॉर्म भरे और फिर पेमेंट किए, तो ये भी एक बिजनेस हुआ आपस में, जहां पेमेंट का लेन देन होगा वहां बिजनेस होगा। तो इस तरीके की जो गतिविधि हो रही है, जहां नागरिक सरकार द्वारा जारी वेबसाइट या ऑनलाइन मोड पे वहां पे जाके पेमेंट कर रहे हैं, उनकी सेवाएं ले रहे हैं, ठीक है, तो ये बिजनेस हो जाएगा क्या, G2C बिजनेस। ये नाम में बार बार जो है मुंह से निकल रहा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर मानना है, ओके। तो ये बिजनेस क्या हो जाएगा अपना, G2C, सरकार द्वारा नागरिकों के साथ किया जाने वाला बिजनेस, ओके। अगला है P2P, पीर टू पीर। पीर मतलब होता है सहकर्मी, इकलौता, एक आदमी, पीर टू पीर मतलब एक आदमी दूसरे से डायरेक्ट डील कर रहा है। भाई साहब, कोई वेबसाइट बीच में नहीं आ रही है, क्विकर और ओएलएक्स की तरह जो वेबसाइट है ना, वो बीच में नहीं आएंगी। एक आदमी या तो खुद का वेबसाइट बना लेगा, या खुद के अपने मतलब जैसे ऐप बना लिए, या फिर खुद का जो है कोई भी पब्लिक प्रोफाइल बना लिए, जैसे सोशल साइट बना लिए, फेसबुक, ट्विटर, इन पे उनमें उसने डिटेल डाला कि मुझे अपनी ये बाइक बेचनी है, लोग वहां से कंसल्ट कर लिए, उसने अपनी डिटेल डाला कि मैंने ये ऐप बनाया है, लोग वहां से कंसल्ट कर लिए। डायरेक्ट एक व्यक्ति दूसरे से कंसल्ट कर रहा है, वहां पे कोई तीसरी कंपनियों का वेबसाइट इन्वॉल्व नहीं है, तो इस तरीके का जो बिजनेस होगा ये कहलाएगा पीर टू पीर बिजनेस। बात समझ में आया? इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ ईच अदर विदाउट इंटरमीडिएशन बाय थर्ड पार्टी, ऐसा समझिए, सीधा सीधा जब दो व्यक्ति, दो सहकर्मी आपस में ही डील कर लें, तीसरे का कोई रोल नहीं हो बीच में, कोई कंपनियों का वेबसाइट नहीं हो बीच में, तो पीर टू पीर टाइप ई कॉमर्स, ओके। देखो अगला जो है ये है अपना एम कॉमर्स। एम बोले तो मोबाइल, मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से जो व्यापारी गतिविधियां संपादित की जा रही हैं, वो एम कॉमर्स। अभी जितनी भी आप लोग खरीदारी कर रहे हैं, लॉकडाउन में बैठ के जो
टाइम पास करने के लिए लोग क्या करें, जिनके पास पैसे हैं वो कुछ ना कुछ जो है नेट पे करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, आ रहा है घर पे, ठीक है। अब तो सारी चीज़ें खाने पीने से लेके जूते चप्पल से लेके सारी चीज़ें मैक्सिमम फर्नीचर वगैरह को छोड़ दें तो ऑनलाइन माध्यम से लोग खरीद रहे हैं। तो ये पूरी जो गतिविधि कर रहे हैं हम मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं अधिकतर लोग, तो मोबाइल के माध्यम से जो चीज़ें संपादित हुई, व्यवसाय हुआ, वो कहलाएगा आपका मोबाइल कॉमर्स। बात समझ में आया? अब कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म हैं जो ई कॉमर्स में पूछे गए हैं, यूज होते हैं, उन टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब तक आप लोग इसको देखो, मैं जो है पानी पी लेता हूं। चलिए रेडी। अब देखो अपना पहला जो है टर्म क्या है, इसमें दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंकिंग गतिविधियां। यहां से एक क्वेश्चन मुझे याद है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बैंकिंग होता क्या है, कौन कौन सी गतिविधि बैंकिंग में शामिल है। तो देखो बैंकिंग में क्या सब शामिल है, केवल रुपयों का लेन देन नहीं, ATM से गए पैसे निकाले और डाले नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, उसमें करते क्या है आप, बैलेंस चेक करना, किसी को ट्रांसफर करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना, आप स्टेटमेंट अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग से, इसके बाद अपने अकाउंट का टाइप चेंज करना, पासवर्ड चेंज करना, अकाउंट टाइप समझते हैं, ATM में जाओगे तो वहां पे ऑप्शन पूछता है सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है या पेमेंट अकाउंट है, ये ऑप्शन जो रहते हैं, तो आप अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, पेमेंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं। जब मैं जॉब में था तो मेरा अकाउंट जो था वो पेमेंट अकाउंट था, पर मंथ के पेमेंट के हिसाब से बना था वो, उसके कंडीशन अलग होते हैं। जब मैंने जॉब छोड़ा तो उसके बाद जो है हमारा अकाउंट कब कैसे ट्रांसफर हो गया, सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, वो करना पड़ता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पुराने अकाउंट के रूल के हिसाब से टैक्स कटेगा, चार्जेज कट जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरे गतिविधि जो है बैंकिंग में शामिल होता है, ये ध्यान रखना बैंकिंग में कौन कौन सी गतिविधि शामिल है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, नेट के माध्यम से जो बैंकिंग हम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होगा। क्लियर? राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया, बैलेंस स्टेटमेंट, ये जो भी हमने डिस्कस किया वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब अगला जो है टर्म क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ई कॉमर्स व्यवसाय किन माध्यम से किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ये एक ऑब्जेक्टिव समझिए कि कौन कौन से मोड हैं जिनके थ्रू हम ई कॉमर्स का काम कर सकते हैं। ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिक, सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड शामिल होंगे, जैसे अपना ATM वाला लेन देन है ना, वो भी अपने ई कॉमर्स का एक टाइप है। क्लियर? मेल कर रहे हो आप किसी को बिजनेस रिलेटेड, वो भी ई कॉमर्स का एक टाइप है। ऐप के थ्रू कर रहे हैं, वो भी ई कॉमर्स का एक टाइप है, ठीक। तो ईमेल हो गया, EFT हो गया, EFT बोले तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका एग्जाम्पल गूगल पे, जीपे, फोन पे, ये सब EFT के एग्जाम्पल हैं। EDI हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू में, ऑनलाइन डेटाबेस के माध्यम से, यानी डेटाबेस समझते हैं, बहुत सारे सूचनाओं को इकट्ठा करना, एकत्रित कर लेना और उन सूचनाओं में से कुछ चीज़ें और छांटना, तो उस जो एकत्रित डेटा है वहाँ पे उसको बोलते हैं डेटाबेस। व्यापारी कोई सॉफ्टवेयर या ऐप बना लिया उसके माध्यम से, तो इतने माध्यम से ई कॉमर्स जो है वो किया जा सकता है, बिजनेस ई कॉमर्स का किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और ऑप्शन में था ऑल ऑफ दीज। ओके, आगे देखो कुछ टर्मिनोलॉजी। पहला टर्म है अकाउंट एग्रीगेशन, अकाउंट एग्रीगेशन यानी खाता एकत्रीकरण। इसका क्या मतलब है, जब आप कोई चीजें सर्च कर रहे हैं, जैसे मान लो मुझे शर्ट चाहिए या जूते चाहिए, हम केवल ये प्राइस सर्च करते हैं, एडिडास शूज रेड कलर दिस प्राइस, अब वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइटों की जानकारी इकट्ठे आ जाती है। जब हम बेस्ट प्राइस सर्च करते हैं तो कंपैरिजन जो है आ जाता है, तो बहुत सारे वेबसाइटों से जब हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है अकाउंट एग्रीगेशन। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण, जब आप ई कॉमर्स में व्यापार करेंगे तो आपको हर वेबसाइट के लिए अपना ID और पासवर्ड बताना पड़ेगा, उस पर अपने अकाउंट डिटेल और पर्सनल डिटेल भी कुछ डालने पड़ते हैं, तो उस डिटेल को वेरीफाई करने के लिए जब ट्रांजेक्शन आपका होता है तो OTP आता है या पासवर्ड डालना पड़ता है, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है आपका वेरिफिकेशन।
तो ई कॉमर्स में एक टर्म यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन। ये पता करना कि जो सामान कोई खरीद रहा है वो वही आदमी है जिसका अकाउंट है, उसको सत्यापित करना यानी ऑथेंटिकेट करना। बात समझ में आया? चलिए अगला टर्म जो है ये है आपका ई नाम। ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इसको ऐसा समझो ई नाम है ये, ठीक? ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। नाम पे जरा गौर करो, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, मार्केट मतलब मंडी, है ना? तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि मंडी, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि मंडी या राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक? तो नाम जैसा है वैसा ही काम है। नेशनल लेवल पे एक वेबसाइट डेवलप किया गया सरकार के द्वारा, जिसपे किसान जो है अपने सामान, अपने फसलों को वहां पे बेच सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं, कुछ चीजें खरीद सकते हैं। तो एक मंडी, ऑनलाइन मंडी बना दिया गया। तो ये ऑनलाइन मंडी जो कहलाया, हमारा कहलाया ई नाम। क्लियर? ये ध्यान रखना है। ई नाम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है, तो कृषि चीजों से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अगला जो है अपना ये है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये ई नाम की तरह ही ई मार्केट प्लेस है। सरकार जो चीजें खरीद रही हैं, सरकारी वेबसाइटों के जरिए चीजें खरीद रही हैं, नीलाम करवा रही हैं, तो उनके लिए संविधान निकालती हैं जो सरकारें। तो ऐसी व्यापारिक गतिविधियां जो सरकारी तंत्रों के थ्रू हो रही हैं उनमें भ्रष्टाचार ना हो, पारदर्शिता बना रहे, उसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया उसका नाम दिया गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। 2016 में इस पोर्टल की शुरुआत हुई सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने हेतु, ठीक है? सरकारी खरीद में शून्य भ्रष्टाचार अभी हमने डिस्कस किया। ये ध्यान रखना है कि ये मार्केट प्लेस जो है किस मंत्रालय के तहत आता है। तो वाणिज्य मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट विभाग का क्या नाम है? महानिदेशालय आपूर्ति एवं निपटान, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है इसको विकसित किया गया है। मंत्रालय कौन सा? वाणिज्य मंत्रालय। क्लियर? अब केंद्र सरकार के विभाग, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निकाय, अधिकृत प्रतिनिधि इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जेम जो है इसका शॉर्ट नेम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, है ना? तो ये हो गया जेम। क्लियर? ये अगला जो है आपका टर्मिनोलॉजी था। अब देखेंगे हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ई कॉमर्स के क्या सब हैं। एडवांटेज तो आप सारे सोच सकते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन मेंस में ऐसा पूछा जा सकता है कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इससे ऑब्जेक्टिव ना के बराबर बनेंगे। देखो एडवांटेज क्या है कि 24 घंटे मार्केट आपके लिए, रात में हमारा मान लो कल परसों शादी है और मार्केट पूरा बंद है, रात में मेरा मन किया कि हमें इस कलर का शेरवानी खरीदना है या कुर्ते पहन के जाने शादी में किसी के, तुरंत ऑर्डर कर दिया, ये आपके लिए फायदा है। 24 घंटे अवेलेबिलिटी है आपकी। प्रोडक्ट की वेराइटीज वहां पे है, बहुत सारे प्रोडक्ट की वेराइटीज हैं। मान लो कोई एक चीज आपको पसंद आ गई है या पहले से कहीं देखा है, तो जब कॉमन मार्केट में जाओगे ना तो वहां पे अलग अलग दुकानों पे सर्च करना पड़ेगा, वो खुद दिखाएंगे भैया ये, भैया ये। लेकिन ऑनलाइन मार्केट में क्या है, आपने केवल कोड डाला कि क्या चीजें चाहिए, उसकी सारी वैरायटी एक जगह पे आपको मिल जाएगी। ये आपके लिए लाभ हो गया। दुकानदारों के लिए क्या लाभ है? दुकानदारों को ये लाभ है कि अलग अलग जगह पे उनको शॉप नहीं खोलना पड़ रहा है। जैसे मैं बिहार से हूं, अभी एमपी में रह रहा हूं इंदौर में, लेकिन इंदौर कितनी भी पॉपुलर शॉप कोई क्यों ना हो, बिहार से कोई खरीदने नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन यदि यहाँ की चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो वहाँ के लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मार्केट जो है ये इंटरनेशनल मार्केट उनको मिल गया, केवल यहीं के नहीं बाहर के लोग भी खरीद सकते हैं। तो ये शॉप वालों का फायदा हो गया। मेंटेनेंस, यदि वो अलग अलग जगह अपना शोरूम खोलेंगे ना अलग अलग शहरों में, तो उनको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, इतने स्टाफ रखने पड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है क्या होंगी, उनकी खर्चे बच जाएंगे। ये सारे जो है एडवांटेज हैं ई कॉमर्स के। वाइड अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, ठीक है, 24x7। रेंज जो है सामानों का बहुत ज्यादा होता है, नए ग्राहक बहुत सारे जुड़ते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस हो गया, ये सब लाभ हो गए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पहुंच हो गई, और व्यक्तिकरण और उत्पाद अनुशंसाएं। इसका क्या मतलब है? कभी आपने गौर किया है कि आप जो है एडिडास के जूते सर्च किए हो? एक मिनट होल्ड करना। हाँ,
कभी आपने गौर किया है कि आपने एडिडास के जूते सर्च कर लिया, कुछ भी टी शर्ट लाल कलर का सर्च कर लिया और फिर खरीदा नहीं, मन हो गया अरे यार बहुत ज्यादा प्राइस है, उसको अपन क्लोज मार दिए। फिर हमने फेसबुक खोला या यूट्यूब खोला तो हमें वही एड हमें दिखाई देता है 40% डिस्काउंट के साथ। ये साइट वालों किसने बताया कि भैया तुम्हें यही जूते चाहिए अब दोबारा से, तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, तुमने तो अपने मोबाइल में सर्च मारा। तो तुम्हारे जो जानकारियां हैं ना वो क्या करते हैं, कुकीज के माध्यम से, कुकीज एक जो है व्यवस्था समझ लो हमारे ब्राउजर में होता है, जो भी चीजें हम सर्च करते हैं उनकी छोटी छोटी जानकारी सेव कर लेता है और किसको भेजता है, कंपनी वालों को, भैया फलाना आदमी ये चीजें सर्च मारा है, तो उसको पता चल जाता है कंपनी वालों को इसको क्या पसंद है, वैसे ही ऐड आपको दिखाता है। आप यूट्यूब चलाते हैं जिस तरह के वीडियोज आपको पसंद है, आपके जो है आने वाले यूट्यूब के लिस्ट में कि क्या आपको दिखाया जाए यही दिखाता है, ठीक, कि जो तरह के वीडियो आपको पसंद होंगे वही वीडियो नीचे लिस्ट में आपको दिखेंगे रिकमेंडेशन में, ओके। तो ऐसे ही सामान की भी, प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन वो करता है, आपने कुछ चीज़ें सर्च मारी तो उसको सेव करके रखता है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। एडवांटेज, डिसएडवांटेज देखो अब क्या सब है, सीमित ग्राहक सेवा, लिमिटेड कस्टमर सर्विस, जब सामान खरीदना हो बार बार कॉल आएगा कि सर इतने परसेंट डिस्काउंट है, मैसेज आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन यदि कुछ गड़बड़ हो गया फिर उसके बाद आप कॉल करो तो पहले तो आधा घंटा आपको वेटिंग पे रखेंगे, इसके बाद आपको 10 लंबे चौड़े प्रोसेस समझाएंगे कि ऐसे ऐसे करके रिफंड होना है या पेमेंट जो है आपको बैक मिलेगा, बात समझ में, और वेट भी करना पड़ेगा। प्रतीक्षा समय, सामान खरीद लिया आपने और आपको बोला परसों आएगा, 3-4 दिन आपको वेट करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें किसी फंक्शन में जाना है, हम 4 दिन पहले ऑर्डर किए और फंक्शन के दिन मैसेज आता है कि आपका सामान कल डिलीवर होगा, उतर गया तुम्हारा मुंह, ठीक। उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने एक जूता मंगाया था और वो नकली जूता आया, घड़ियों के साथ भी होता है अधिकतर जो है ऑनलाइन मार्केट में, 90% सामान तक मैं कह सकता हूँ कि डुप्लीकेट रहते हैं, जो 40% 50% से ज़्यादा डिस्काउंट में आपको मिल रहा है ना, इसकी स्योरिटी नहीं है कि वो सामान जो है ओरिजिनल हो। आप जूता मंगाएंगे आपको जूते भी मिल जाएगा, ठीक है। जूते से मुझे याद आया, गालिब जो है एक बार, उस समय आपने हिस्ट्री आपने पढ़ा है, सबसे अंतिम मुगल राजा कौन था, सबसे अंतिम मुगल राजा जो भी था नाम आपने देख लेना कौन थे, उस समय जो है गालिब उसी के जमाने के थे, है ना। तो वो मुगल राजा जो है उसको बुलाए अपने दरबार में और बोले कि भैया हमारे यहाँ दिल्ली में जूता चलता है और आपके यहाँ जो इधर क्या बोलते हैं लखनऊ तरफ वाले होंगे तो नवाबी लोग वहाँ जो जूते पहनते हैं नोक वाले, तो उसको वहाँ पे जूती बोलते हैं भले ही मेल पहने, और बाकी सब जगह दिल्ली वगैरह में नॉर्थ इंडिया में उसको बोलते हैं जूता। तो उनसे पूछा कि भैया ये डिफरेंस क्या है कि हम लोग जो हैं जूती बोल रहे हैं, मतलब हम लोग जूता बोल रहे हैं और उधर जूती बोल रहे हैं, जबकि दोनों सेम चीज़ है, मेल ही पहनता है, और पूरे दरबार में किसी को जो है इसका आंसर नहीं सूझा। तो गालिब से पूछा गया कि गालिब भाई साहब आप बताओ क्या डिफरेंस है, आप तो इतने बड़े शायर हो, आपको तो पक्का पता होगा। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं इतना नहीं जानता हूँ लेकिन मुझे ये पता है कि यदि जोर से पड़े तो जूता है और धीरे से पड़े तो जूती है, ठीक। राशि के जोखिम की सुरक्षा, पैसों का लेन देन आप कर रहे हैं ना UPI ट्रांसफर, तो वहाँ पे कभी झोल हो जाता है, कभी जो है आपका फर्स्ट पेमेंट हो गया सामान ऑर्डर नहीं हो पाया, कभी ऐसा होता है डबल पेमेंट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और सबसे बड़ा खतरा जो है किसी भी ऑनलाइन प्रेजेंस में, ऑनलाइन मार्केट हो, ई गवर्नेंस हो, कोई भी ऑनलाइन चीज़ें हों, उसमें सबसे बड़ा खतरा जो है डेटा प्राइवेसी का है ना। और इसी के चलते हमने चाइना के बहुत सारे ऐप जो है बैन कर दिए हैं अभी, फिर भी हम ये श्योर नहीं कह सकते कि जो भी साइट हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे डेटा को किस तरह उपयोग करेगा या हमारा डेटा वहाँ पे श्योर है या नहीं। इवन आधार कार्ड को लेके भी गवर्नमेंट पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब भारत में हम देखेंगे ई कॉमर्स कैसे कैसे डेवलप हुआ, क्या है भारत में ई कॉमर्स की कंडीशन। पिछले 10 साल में भारत में ई कॉमर्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैला है, खासकर अभी जो लॉकडाउन वाला सेक्शन रहा ना उसमें तो बहुत तेजी से फैला। और तभी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि भैया जी पूरी दुनिया में 18-19% के रेट से ग्रोथ है ई कॉमर्स का, लेकिन भारत में अभी 80% ग्रोथ है। कितना? 80% ग्रोथ है भारत जो है। एक ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा भारत में, भारत जो है ये तीसरे थर्ड नंबर पे आता है ई कॉमर्स के मार्केट में।
पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए। ये बात समझ में आया? ई कॉमर्स को मान्यता कब मिली भारत में? जैसे हमने पढ़ा था ना 79 में एक स्टैंडर्ड बनाया गया यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा ईडीआई के लिए, ऐसे ही भारत में जो ई कॉमर्स को मान्यता मिला वो मिला आईटी एक्ट 2000 के द्वारा। ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट बना, अधिनियम पारित हुआ 2000 ईस्वी में, उसके द्वारा ई कॉमर्स को मान्यता प्रदान किया गया, डिफाइन किया गया कि ई कॉमर्स में क्या सब चीजें होंगी, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। ओके, इतने क्वेश्चंस आपके जो है बनेंगे भारत में ई कॉमर्स से। अब हम चलते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड कंपनियों के बारे में, भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कब एस्टेब्लिश की गई, उनसे रिलेटेड छोटे मोटे फैक्ट, और वर्ल्ड में कौन कौन सी कंपनियां हैं, मेजर कंपनियां, पॉपुलर कंपनियां, उनसे रिलेटेड छोटे मोटे फैक्ट के बारे में। देखो, भारत में बात करें तो फ्लिपकार्ट सबसे बड़ी भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है, लेकिन इसका जो इसको जो है वॉलमार्ट ने 2018 में जो है खरीदा था और मैक्सिमम शेयर अपने पास रख लिया था, लगभग 81% शेयर जो है वॉलमार्ट ने खरीद लिया। कब? 2018 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जो है सिंगापुर, लेकिन भारत में बात करें तो बेंगलुरु में, और संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो मैं हट जा रहा हूँ, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे ये पीडीएफ आप जो है हमारे ऐप पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। दूसरा आप देखो fabmart.com 1999 में संस्थापक के वैथेश्वरन, ठीक है, और ये भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी मानी जाती है, ये ध्यान रखना है। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी मानी जाती है? फैबमार्ट। इसके संस्थापक कौन थे? के वैथेश्वरन। कब हुआ स्थापना? 1999 में। ठीक, फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में। अगला जो है इंडिया मार्ट 1996 में, लेकिन ये पहली नहीं मानी जाती है, ये ध्यान रखना है। पहली जो है डिटेल ब्रॉड लेवल पे वो हमारा कौन सा है, ये है fabmart.com। भारत में ई कॉमर्स के जनक भी इनको बोला जाता है, वैथेश्वरन को। उसके बाद नेक्स्ट है स्नैपडील 2010 में, कुणाल भाई एंड रोहित बंसल। अब ये डिटेल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने केवल दो ही तीन जो है मेन वही याद रखिए। आगे देखो पेटीएम, पेटीएम की स्थापना 2012 में, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा। इसके संस्थापक जो हैं प्रवीण सिन्हा। जुलाई 2016 फ्लिपकार्ट एक्वायर्ड, फ्लिपकार्ट ने इसको जो है खरीदा जेबैंक को थ्रू, इसका अधिग्रहण किया पेटीएम का। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है पेटीएम का मुख्यालय और स्थापना कहाँ हुआ ये, और किसने जो है इसको एस्टेब्लिश किया, ये तीन चीज़ें ध्यान रखना है आपको। अब प्रमुख ई मार्केट प्लेस हम अब वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो सबसे बड़ी जो है वो है अमेजन, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। 1994 में अमेरिका में बना, ये आप जान चुके हैं, संस्थापक जो है जेफ बेजोस। ओके, इसके बाद डिटेल नहीं जानना है। अभी सीईओ जो है एंडी जेसी, याद रख पाओ तो याद रखिए, नहीं तो बड़ी कंपनियां दो तीन ही याद रखिए, कौन है, कब स्टेब्लिश हुआ, इंडिया में कौन है, वर्ल्ड पे कौन है, तीन तीन राय रख लो बहुत है। आगे ईबे स्थापना 95 दिसंबर में, पियरे उम्मीदवार, मुख्यालय कहाँ, कैलिफोर्निया यूएसए में है। अब इसके आगे आप केवल पढ़ लीजिए, याद रख पाए तो याद रखिए। ये पूछा जा सकता है कि रकुनेट किससे संबंधित है, ई कॉमर्स से संबंधित है, टॉप 10 में ही आता है रकुनेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। रकुनेट, B2W, जिलांडो, जिलांडो जो है ये जर्मनी का है, ये ध्यान रखना है। ये B2W जो है ये ब्राजील का है, रकुनेट जो है ये जापान की ई कॉमर्स कंपनी है। इनमें ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं या याद रखने वाली हैं, रकुनेट जापान की है, B2W जो है ये ब्राजील का है, जोलांडो जो है ये जर्मनी का है, और ये जो है जी फोपन शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये नहीं भी याद रहे तो भी आप चलेगा। अलीबाबा बहुत फेमस है, सब जानते होंगे, जैकमा ये चाइना का है। तो कुछ इंपोर्टेंट देश जो हैं उनके कौन कौन से मेन कंपनियां हैं वो आप देख रहे हैं। लेक्चर 2 जो इसका आएगा इसमें हम देखेंगे MCQ, थ्योरी इतना ही काफ़ी है किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर PSC में जो प्री के एग्जाम हो रहे हैं, फॉरेस्ट में जो आपका मेंस का एग्जाम होगा, इतना लेक्चर काफ़ी है एग्जाम के लिए। लेक्चर 2 में हम देखेंगे MCQ जो है ई कॉमर्स से रिलेटेड, और लगभग 50 क्वेश्चन, और
उसमें शामिल होंगे जितने भी अपने एग्जाम्स हुए हैं वन डे एग्जाम्स इंडिया में, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, प्री हो या मेंस के हो, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस वन लाइनर रहे या तीन मार्क्स वाले, ये सारे शामिल होंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे। तो लेक्चर टू में हम उसको डिस्कस करेंगे। आज अपन इतना ही, तब तक जो है आप ढंग से पढ़िए और अपना ध्यान रखें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।